आज इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों द्वारा बीजेपी के खिलाफ संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ की तर्ज पर रीगल चौराहे पर सिर पर काली पट्टी एवं मुंह पर ताला लगाकर सत्याग्रह आंदोलन किया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिस प्रकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद में सदस्यता को अलोकतांत्रिक तरीके से रद्द करने के विरोध में रीगल चौराहे पर सत्याग्रह आंदोलन किया गया, इसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं तक सभी उपस्थित रहे। इसके चलते शासन प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है और भारी पुलिस बल की तैनाती रीगल चौराहे पर देखी गई। पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नजर रखे हुए हैं ताकि शहर में शांति बनी रहे। राहुल जी को संसद से तो हटा दिया, लेकिन राहुल गांधी जी अब अपना निवास लोगों के दिल में कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने देश के आम आदमी जुड़ने का प्रयास करा, वो सच्चाई पूछने का प्रयास करा, वो प्रश्न पूछने का प्रयास करा जिससे आम आदमी आज जुड़ा हुआ है। महंगाई क्यों नहीं कम हो रही है, बेरोजगारी क्यों नहीं कम हो रही है, हिंदू मुस्लिम का विवाद क्यों नहीं कम हो रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने सरकार से पैसा लेकर बैंकों से पैसा लेकर खा गए हैं उनका क्या हाल है, और अडानी अंबानी की इस बेहिसाब संपत्ति का हिसाब पूछा। निश्चित बात है नरेंद्र मोदी जी का उनसे क्या संबंध है, देश से छुपा नहीं है, तो उन्होंने राहुल गांधी जी को इसके बदले स्वरूप लोकसभा से हटा दिया। लेकिन ये तो हमको मौका मिल गया है साथ में लड़ाई लड़ने का, और पूरी कांग्रेस कांग्रेस का एक कार्यकर्ता राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। धन्यवाद। दीपक जोशी, आज सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इंदौर शहर और ग्रामीण की ओर से, जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सदा सिंह जी, महेंद्र जोशी जी इस कार्यक्रम के लिए लगातार लगे हुए थे और पूरे देश में प्रदेश में तमाम जगह सत्याग्रह कार्यक्रम कल 26 तारीख को हुआ और कुछ जगह आज हो रहा है। और लगातार जब से राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म की है तभी से पूरे देश के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम वर्ग के लोग उतरे हुए हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने जिस प्रकार से सदस्यता हमारे राहुल गांधी जी की खत्म की है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि केंद्र की सरकार पूरी तरह से राहुल गांधी जी से डायरेक्ट थी, और जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग कर रही है, जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या कर रही है, पूरे देश की जनता समझ चुकी है कि ये राहुल गांधी जी से पूरी तरह से प्रभावित है। क्योंकि आज सच्ची बात करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो राहुल गांधी जी, जो हर वर्ग की हर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, और ये लड़ाई हमारी चलेगी और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। राहुल गांधी जी के साथ पूरा देश खड़ा है, हर वर्ग के लोग खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और आप देख रहे हैं किस प्रकार से पूरे देश में इस तरह के फैसलों के खिलाफ लोगों में रोष है, और ये रोष हमारा जारी रहेगा, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी जब तक ये अपना फैसला वापस नहीं लेते। देखिए मेरे हिसाब से उस दिन राहुल गांधी जी ने कुछ गलत नहीं बोला, जो उन्होंने 2019 में बोला था वो अब हमें सच दिखाई देता हुआ दिख चुका है, तो उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं बोला है। वो बात अलग है कि बीजेपी को इस बात की मिर्ची बहुत ज्यादा लगी है, क्योंकि सच तो कड़वा होता है, पर हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता उनके समर्थन में, और हमारे हिसाब से उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है।